हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। तो जॉन मिल्टन से क्वेश्चन टीजीटी में कैसे आए हैं वो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू रहेंगे टोटल 60। जॉन मिल्टन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्क्स इज बायोग्राफी एंड प्रोज वर्क ऑल्सो। तो टोटल 60 एमसीक्यू यहाँ हमको मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। टीजीटी, एलटी, ओके, पीजीटी वाले भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जॉन मिल्टन से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। आपने बायोग्राफी पढ़ ली, वर्क्स देख लिए, पैराडाइज लॉस के एमसीक्यू देख लिए, और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इनके देख लिए। बट यहाँ आप ये भी देख लो, अब क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, क्या छोड़ना है हमको, क्या रखना है। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमको, जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। तो जॉन मिल्टन ब्लाइंड हुए थे, ठीक है, एट द एज ऑफ 44, या जब ये 44 एज के थे। अच्छा, तो इनका लाइफ स्पैन देख लेते हैं यहाँ पर हम, 1608 से लेकर 1674। तो 52 में जब ये हुए थे ब्लाइंड, दैट इनकी एज 44 थी। ऐसा क्वेश्चंस बनता है तो मैं यहाँ बता रही हूँ। व्हाट अदर इवेंट इज पिक्चर इन द ईयर, और भी कौन सा दूसरा इवेंट हुआ था इसी साल में जिस साल ये ब्लाइंड हुए थे। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, हिज वाइफ डेथ, डेड। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो इनकी वाइफ थी मैरी पावेल, नाम भी पता होना चाहिए ना, मैरी पावेल। तीन शादी की थी, इनकी फर्स्ट वाइफ थी तो उनकी डेथ हो गई थी। लिसिडास वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, लिसिडास एक एलेजी है, इन्होंने लिखी है, किसकी याद में लिखी गई। एलेजी से क्वेश्चंस यही बनता है, लिखी किसने है, तो किसी के दुख में लिखते हैं, किसी की मृत्यु के, तो वो कौन है। आंसर इज बी, एडवर्ड किंग। ओके, तो इनकी कॉलेज फ्रेंड थी एडवर्ड किंग, और इनकी डेथ कैसे हो गई थी, डूबने से, आयरिश सी में डूबने से इनकी डेथ हो जाती है, और फिर ये लिखते हैं लिसिडास एडवर्ड किंग के याद में। हु रॉट अबाउट होम, किसने लिखा और किसके लिए लिखा। अब मिल्टन हम पढ़ रहे हैं, तो मिल्टन के लिए भी बहुत कुछ अगर लिखा गया है तो वो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिल्टन के नाम से एज ऑफ मिल्टन भी है इन इंग्लिश लिटरेचर, उस एज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, सो द करेक्ट आंसर इज वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम लंदन में, जो कि इन्होंने मिल्टन के लिए लिखी थी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने ये लाइंस कही हैं अबाउट मिल्टन, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और ये ही क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ में भी बनता है कि वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन किसके लिए लिखी है। वैन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, पैराडाइज लॉस्ट लिखी, लिखना शुरू कब किया, कंप्लीट कब हुआ और पब्लिश कब हुआ, तीन अलग ईयर बनती हैं इसमें, तो यहाँ पब्लिशिंग का पूछा है, इस पर ध्यान रखना है। ओके, सो द आंसर इज 1667 टी, पैराडाइज लॉस्ट एपिक है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, और उस समय इसमें 10 बुक्स थी फर्स्ट वर्जन में, एंड उसके बाद 12 नेक्स्ट, जो इसका नेक्स्ट आया एडिशन, उसमें 12 बुक थी। थीम ऑफ एरोपेजोटिका इज, अब जैसा कि जॉन मिल्टन फेमस है एज अ पोइट, तो अब लेकिन एरोपेजोटिका इनका प्रोज वर्क है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं कि इनका प्रोज वर्क अलग स्पेशल हो गया ना, ये फिर पोइट प्रोज लिख रहे हैं, तो एरोपेजिटिका इनका प्रोज वर्क है, फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको ये याद रखनी है। और ट्रैक्ट है ये, ट्रैक्ट लेख जो लिखे जाते हैं, इस किस बारे में लिखा गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बहुत ही सरफेस का क्वेश्चन है, एरोपेजिटिका से आता है, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इसका थीम रहा। विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट, इनमें से कौन मिल्टन का फेवरेट है, पैराडाइज रिगेंड इज द करेक्ट आंसर, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, ये कोटेशन से क्वेश्चन बन रहा है तो देख लेंगे इसको। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रीज, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेस और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड वॉट मे क्वाइट एज इन डेथ। सो नोवल वेयर फ्रॉम दीज लाइन टेकन, कहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। सो द आंसर इज सैमसन एगोनिस्ट, ये इन्हीं का ही वर्क है। देखिए जो भी इसमें 4 ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, ये चारों ही मिल्टन के वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, और बाकी जो ये हमको इसके, अगर आपको ये कोटेशंस काफ़ी बड़ी लग रही है तो हमको पहली लाइन आप कैच कर लो, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, ये हमारे सैमसन एगोनिस्ट में ये वर्क में ये हमको ये लाइन स्टूडेंट्स देखने को मिलेगी। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स इनका वर्क है,
क्या है, पोएम है या प्रोज है, तो ये एक मास्क है, MASQ, ये एक जो ये क्या होता है, ये भी एक लिटरेरी फॉर्म है, और जो कठपुतली का तमाशा होता है उसकी स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है दैट इज़ मास्क, और वो इस इन्होंने जो लिखा था कॉमर्स उसका नाम था। इसमें क्वेश्चंस मेन ये बनता है, अब जब ये बताया है पपेट शो है, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ लिटरेरी फॉर्म, तो पपेट शो फर्स्ट, वेरी फर्स्ट परफॉर्म कहाँ हुआ था, इसका ये क्वेश्चन बनता है, ओके, लुडलो कास्टल में ये हुआ था एट द सेलिब्रेशंस ऑफ द अर्ल्स पोस्ट एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। जो अर्ल थे उनकी जो पोस्ट थी उसमें जो सेलिब्रेशन हुआ था, लुडलो कैसल का नाम इसमें आता है। स्टूडेंट्स, कॉमर्स एक मास्क है बाय जॉन मिल्टन, होम मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोइट्री। तो ये इनको किसको अपना आइडियल मानते हैं, इनके आदर्श कौन है, मास्टर कौन है पोइट्री में, आंसर इज स्पेंसर, ओके, एडमंड स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न, जन्म कब हुआ है इनका, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। अब यहाँ जैसे हम एक सीरीज में कवर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, और स्टूडेंट्स यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कहीं और से नहीं आते, हम ये पढ़ रहे हैं ना, यहीं से ही आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो अच्छे से समझ के पढ़िए, नोट्स भी बना सकते हैं। और मिल्टन के तो बायोग्राफी MCQs काफ़ी 3 to 4 लेसन पहले भी बन चुके हैं, ये उसके बाद का क्वेश्चंस बन रही है, और इसमें भी हमको यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ रिपीटेड भी हैं बट इम्पॉर्टेंट है तो रिपीट हो रहे हैं। 9th of December 1608 इज़ हिज बर्थ डेट, वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, कहाँ, तो आंसर इज डी, लंदन लगा पाएंगे। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज बुक्स, हाउ मैनी बुक्स पैराडाइज लॉस्ट, तो आंसर इज 12, अगर वैसे तो 12 ही थी, फाइनल एडिशन, सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन में 10 थे, तो अगर फर्स्ट एडिशन पूछें, सेकंड एडिशन पूछें लिखकर, तो आप बता देना 10-12, अदरवाइज मेन पूछें हमको 12 ही बताना है। द फेमस लाइन, वॉट दो द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय, ये जो फेमस कोटेशन है बोली गई है बाय सैटर्न, SATAN सैटर्न, और कौन सा वर्क है, पैराडाइज लॉस्ट, ओके, ये सब सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर हैं, एडम, ईव, सैटर्न, बेलजिबब, ओके, तो सैटर्न के द्वारा ये लाइन बोली गई है, वॉट थो द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक वन विथ, तो पैराडाइज लॉस्ट में जो बुक वन है वो स्टार्टिंग उसकी कैसे होती है, इन्वोकेशन के द्वारा, इन्वोकेशन यानी कि आह्वान करना गॉडेस का, देवी देवताओं का, लाइक, तो पहला जो बुक है उसमें यही है। और मेन जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट एपिक है, जो एपिक्स होते हैं उसमें जैसे कि हीरोइक वर्णन होता है एक मेन हीरो का, फुल बड़े लेवल पे ग्रैंड स्टाइल में, तो फर्स्ट जो उसमें पार्ट होता है या फर्स्ट बुक कह लो, तो उसमें यही तो होता है, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना, आह्वान करना, वही चीज़ इसमें भी है, पैराडाइज लॉस्ट बुक वन इन्वोकेशन इज़ द करेक्ट आंसर। द वर्ड दैट कम्प्लीट्स द फेमस लाइन, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, बहुत ही फेमस लाइन है ये, इसको इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दे दिया, तो हेवन इज़ द करेक्ट आंसर, ओके, और पैराडाइज लॉस्ट में है ये कोटेशंस, सैटर्न के द्वारा बोली गई है, ठीक है, क्या कहता है वो कि ये बेटर होगा हेल में, नर्क में रेन करना, शासन करना, ना कि सेवा करना हेवन में, तो ये सैटर्न बोलते हैं पैराडाइज लॉस्ट में। इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन कोटेशन है, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम्स टोटली ब्लाइंड, कौन सी एज में टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं, सो द आंसर इज सी, 44 एज रहती है, और ईयर कौन सा होता है वो समय, साल पूछ लें या एज पूछ लें, ऐसे बनते हैं इनके ब्लाइंडनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, 1652 का टाइम होता है जब ये टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन, और देखो ये यहाँ से कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सभी ने नाम सुना होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसका वर्क है, मिल्टन का वर्क है ना, तो ये वही इसी का ही यही टाइटल है, वो सेम है ये दोनों वर्क, मतलब कि इसी को ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और जैसा कि इसकी ये फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, जब ऐसा होता है जब राइटर उस वर्क को कोई पोयम या जो भी उनका पोयम है का लिटरेरी फॉर्म है पोइट्री का, तो उसको कोई अगर लाइन टाइटल नहीं देते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल यूज़ किया जाता है, बहुत डीप जाएगा तो उस पर पता चलेगा फिर ये टाइटल आया कहाँ से, रहने देते हैं, बट हाँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस ही है ये, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, और ये जो उसकी फर्स्ट लाइन है व्हेन आई कंसीडर करके, ठीक है, तो सोनेट है ये, जॉन मिल्टन का है।
हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. अब यहाँ पे हमको कैच करना है थ्री वर्ड ओनली, मिल्टन, डेविल्स पार्टी एंड आंसर इज विलियम ब्लेक. बस यही है, क्योंकि विलियम ब्लेक ने इनको इस तरह से कहा था डेविल्स. ये जो भी कोटेशन है विलियम ब्लेक की है, पर इसमें डेविल्स पार्टी का जो वर्ड है ये ज़्यादा आता है. शॉर्ट में एक ही लिखा है डेविल्स पार्टी किसने का, तो हमको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज रीगेंड वॉज द वर्क ऑफ. पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का है, तो पैराडाइज रीगेंड भी इन्हीं का ही है. हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ब्लाइंड, इनमें से कौन ब्लाइंड हो गए थे. तो जॉन मिल्टन 1652 में हुए थे एट द एज ऑफ 44. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन वॉज कौन थे मिल्टन. तो देखो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि मिल्टन एलिजाबेथन एज के नहीं थे ना, तो लेकिन इनको कहा जाता है और आंसर इज बी, आ बीलेटेड एलिजाबेथन पोइट. क्यों, क्योंकि एलिजाबेथन एज के नहीं थे, फिर भी इनका जो लिखने का स्टाइल था ना एलिजाबेथन वाला था, उस एज के जो राइटर्स जैसा लिखते थे वैसा ही ये इनका वर्क में थोड़ा टच मिलता था. ठीक है, तो इनको बीलेटेड एलिजाबेथन पोइट करके कहा गया था स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो डिलीट करना है. द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉस, सैमसन एगोनिस्ट के जो ऑथर है जॉन मिल्टन है. सैमसन एगोनिस्ट, एरोपैजेटिका, पैराडाइज लॉस्ट, ऑनिस ब्लाइंडनेस, पैराडाइज रीगेंड, बस यही क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे सामने इनके, कुछ अलग भी मिलेंगे. तो ये हो गया सैमसन एगोनिस्ट के ऑथर जॉन मिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन. तो कहाँ ये हेवन हेल की बात चल रही है, पैराडाइज लॉस्ट में ही चल रही है स्टूडेंट. ओके, पैराडाइज लॉस्ट का ये वर्क है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. 1667 में फर्स्ट वर्जन इसका पब्लिश हुआ था एंड सेकेंड वर्जन पब्लिश हुआ था 1674 में ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वीमेन कैरेक्टर डालिया अपीयर्स इन. तो कहाँ मिलेंगी हमको ये वीमेन कैरेक्टर, देखिए बाकी तो ऑप्शंस हैं, मैकबेथ है, डॉक्टर फॉस्टर, ट्वेल्थ नाइट. ये सैमसन एगोनिस्ट है इसका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर, सैमसन एगोनिस्ट, जिसमें ये हमको ये कैरेक्टर मिलती हैं डालिया. जैसा कि कैरेक्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, कोई वर्क है बहुत ज़्यादा फेमस है, पैराडाइज लॉस्ट है तो सैटर्न, एडम, ईव, बेलजीबब के नाम आ रहे हैं ना, ऐसे ही इसमें सैमसन एगोनिस्ट से हमको ये कैरेक्टर का नाम मिला है डालिया. इन द ईयर 1637, इम्पॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा समझेंगे. ये कन्फाइड करते हैं अपने फ्रेंड से, कन्फाइडेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोन्यूमेंटल पोएटिकल वर्क. ये अपने एक दोस्त से 1637 में ये बात शेयर करते हैं कि हाँ उन्होंने सोच लिया है कि वो ऐसा पोएटिकल वर्क लिखेंगे, मोन्यूमेंटल, कोई यादगार वर्क. सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू होम हिज इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन, कौन से फ्रेंड्स को उन्होंने ऐसा बात बोला था. सो द आंसर इज एडवर्ड किंग. कितने इनके फेमस, इनके कितने क्लोज फ्रेंड थे, कितने, तभी तो इनके मृत्यु पर फिर इन्हीं की डेथ हो जाती है एडवर्ड किंग की, तो फिर ये लिख देते हैं एलेजी लिसिडस. ठीक है, तो यही है वो इनके मित्र. चलिए, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी. कौन से उसमें ये कह रहे हैं सॉलिट्यूड के बारे में, सॉलिट्यूड इज द बेस्ट सोसाइटी. आंसर इज सी, पैराडाइज लॉस्ट में ये. अच्छा, तो हमको इसमें याद ये रख लेना है कि ये कोटेशन जॉन मिल्टन की है. अभी तो चलो ये ऑप्शन लिख दिए उन्होंने, ऐसे ही अलग से पूछ ले कि ये किसका कोटेशन है, जॉन मिल्टन का है, जॉन मिल्टन के किस वर्क में, तो पैराडाइज लॉस्ट में. अगेन बाकी जो फोर आपके ऑप्शन है वो इन्हीं के ही वर्क हैं, जैसे कि बार बार नाम आ ही रहे हैं. तो सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी इज कोटेशन इन पैराडाइज लॉस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन. अब इन्होंने मास्क कौन सा लिखा है उसका टाइटल पूछ लिया, कॉमर्स बता चुके हैं. क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए, कॉमर्स क्या है, मास्क है, मास्क कौन सा लिखा, कॉमर्स लिखा घूम के. पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ. विच फेज, अपनी लाइफ के कौन से फेज में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा. अब जैसे कि इनकी डेथ हुई थी 1674 में, ये पब्लिश हुआ था इसका फर्स्ट वर्जन 1667 में, तो ऑब्वियसली लास्ट टाइम चल रहा है इनका, लास्ट फेज में इन्होंने ये लिखा था पैराडाइज
लॉस्ट। द एज ऑफ मिल्टन हैड थ्री काइंड्स ऑफ पोइट्स। अब मिल्टन की एज में तीन तरह के पोइट्स हमको मिलते हैं, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन। और इनको अलग से भी पढ़ा जाता है, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्स कौन होते हैं, कैवेलियर कौन होते हैं, प्यूरिटन्स अलग होते हैं। तो हाँ, लेकिन ये तीनों आ जाते हैं मिल्टन की एज में। और मिल्टन की एज कंसिडर की जाती है, जो एज ऑफ मिल्टन है या जॉन मिल्टन के लाइफ स्पैन की बात नहीं चल रही है, ठीक है। जॉन मिल्टन का जो समय रहा उसमें एज ऑफ मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर में है एक, तो उसका स्पैन है, टाइम है 1625 to 1660। ओके, तो उसमें ये तीनों आते हैं। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज ऑप्शन सी, बता ही चुके हैं ऑप्शन सी, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। मिल्टन की एज, जन्म, उनके जन्म मृत्यु नहीं है यहाँ, एज ऑफ मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर में जो एज है ना, शेक्सपियरियन एज, मिल्टन, मिल्टोनिक एज, वही। मिल्टन्स पोइट्री इज़ अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। तो ये किसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 35 है, जो मैकमिलन ने कहा है स्टूडेंट्स। और क्या कह रहा है ये मैकमिलन, कि जो मिल्टन की एज है उसमें मिल्टन की पोइट्री कैसी है, जिसमें कि कैरेक्टर्स बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं। मैकमिलन की ये कोटेशन है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन एगोनिस्ट किस तरह का वर्क है। आंसर इज वर्स प्ले, एक तरह का वर्स प्ले है वो। इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडास वॉज रिटन, कब लिखी गई थी लिसिडास, इनकी जो वर्क है। आंसर इज 1637। किसके लिए लिखी थी, एलर्जी है, एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी। ओके, एडवर्ड किंग, जिनकी डूबने से डेथ हो जाती है बाय ड्राउनिंग। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ये है अलग क्वेश्चन। क्यों, बहुत हमने देख लिया पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट, एरोपैजिटिका, लिसिडास, बट ये जो राइटर है इसके, ये भी मिल्टन ही है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अलग से लिख ले। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ये वर्क है, जॉन मिल्टन ने ही लिखा है, और ये एक इनका अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है। ओके, जैसे कोई राइटर्स होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनते हैं कईयों के, कि उस समय वो कुछ वर्क लिख रहे थे, उनकी डेथ हो गई, तो हाँ ये वर्क इनका अनफिनिश्ड वर्क है। तो हिस्ट्री ऑफ वर्क ब्रिटेन इज़ वर्क बाय जॉन मिल्टन एंड प्रोज वर्क है और अनफिनिश्ड है। ओके, ये याद रखना है। कंप्लीट दिस सेंटेंस, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज ग्रैंड। तो इनका जो स्टाइल है वो ग्रैंड स्टाइल होता है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, अगेन कितनी बुक्स है, 12 बुक्स है। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, अब लाइफ ऑफ मिल्टन ये वर्क किसने लिखा, ये टाइटल है, ये किसने लिखा मिल्टन का लिए, मिल्टन के बारे में। आंसर इज ए सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लाइफ ऑफ मिल्टन करके वर्क। मिल्टन्स एरोपैजिटिका कंसर्न विद, एरोपैजिटिका किस बारे में बात कर रहे हैं, फ्रीडम, लिबर्टी, एक ही मीनिंग होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑल्सो। आंसर इज बी लिबर्टी ऑफ प्रेस। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इससे, अभी आपने देखा एरोपैजिटिका से यही क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, क्या कंसर्न करते हैं, लिबर्टी ऑफ प्रेस या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस, थीम क्या है, तो लिबर्टी ऑफ प्रेस, यही है इसका। कंप्लीट द सेंटेंस, कॉमर्स इज मास्क, कॉमर्स क्या है, एक मास्क है। हाँ, मैंने लिए हैं रिपीट होने तभी भी, कि हाँ देखो ये आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आपको याद हो जाए अच्छे से। कॉमर्स क्या है, एक मास्क है, इनका वर्क है। मिल्टन लिसिडास इज एन एलर्जी, बिल्कुल ही सरफेस का क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं आता है तो भी आप ये ईजिली लगा सको। लिसिडास क्या है, बार बार हम पढ़ते हैं, एलर्जी है। एपिक इनका पैराडाइज लॉस्ट है। लिसिडास इज एन एलर्जी, एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई थी। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन लिसिडास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, अब इनके लिसिडास को कौन डिसअप्रूव्ड कर रहा है, उसको इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी करके बोल रहे हैं। सो द आंसर इज सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने इनका लाइफ ऑफ मिल्टन करके लिखा था वर्क, सैमुअल जॉनसन इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। इन मिल्टन देर इज़ ऑलवेज एन अपियरेंस ऑफ एफर्ट्स, इन शेक्सपियर्स स्केयर्सली एनी, ये रिमार्क किसने दिया इनके लिए, ठीक है, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज करके। इसका आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड स्टूडेंट्स, डी, ऑप्शन इज डी।
When does whom does Milton accuse in Paradise Lost as the son of Balliol flown with insolence and wine? ये पैराडाइज लॉस्ट में किसको ये कह रहे हैं द सन्स ऑफ वेलियल अक्यूज करके? सो द एंजलिकन क्लर्जी, द कैवेलियर पोएट्स, द ओपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. एक्चुअली क्या है ना, ये जो इनका पैराडाइज लॉस्ट है इनमें ऑटोबायोग्राफिकल टच भी है, तो कंसिडर कर सकते हैं इसे. वैन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कम्प्लीटेड बाई मिल्टन? देखिए मैंने आपको बताया था ना, पब्लिश कब हुई, 1667 में फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन 1674. ओके, बट यहाँ पूछा गया है कंप्लीटेड कब हुई है. तो अगर आप और भी बुक्स में देखें तो कहीं 1663 लिखा है, और यहाँ पर अगर हम इसी के नियर अबाउट देखें तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें. ठीक है, 1665 इज़ द करेक्ट आंसर. और बता दूँ मैं आपको इसके बारे में, देखिए कि कंप्लीटेड हुई है 1665 में. ओके, पब्लिश्ड हुई थी 1667 में फर्स्ट वर्जन. और लिखना स्टार्ट कब किया था ये भी आ ही जाता है क्वेश्चंस, तो हम वो भी देख लेंगे. 1658 में स्टूडेंट, देखिए ठीक है यहाँ लिख रहे हैं, देन कंप्लीट हो गया 1665 और 1663 एंड देन पब्लिश हो जाता है. ये तीन इंपॉर्टेंट ईयर बनते हैं पैराडाइज लॉस्ट के. मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क. अब इनको ये अपॉइंट किया गया इस पोस्ट पर, सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट. ओके, क्रॉमवेल्स थे उस समय राजा. तो क्यों किया गया इनको अपॉइंट, इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था इतना जो इनका फेमस हो गया, फिर इनको इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई? आंसर इज सी, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट. जी हाँ, आप पैराडाइज लॉस्ट पे मत चले जाइएगा, थोड़ा सा देखिए कि राजा कैसे खुश हो रहे हैं. राजा ऐसे वर्क से खुश होते हैं. ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, किंग मजिस्ट्रेट के बारे में इन्होंने लिखा था ये वर्क, तो इनको ये वाला पोस्ट मिल जाता है. और ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखो, ये जैसे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन आया, देन ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट किसका वर्क है, अलग से आ जाए, सेपरेट आ जाए, तो आप बता सके हाँ कि ये हैमिल्टन का वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सैमसन एगोनिस्ट शोज मिल्टन्स डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश. अब सैमसन एगोनिस्ट इनका वर्क है, क्या इनकी कौन सी डिज़ायर शो करता है, क्या लाना चाहते थे ये इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में? सो द आंसर इज़ बी, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज़. ग्रीक ट्रेजेडीज़ जो ग्रीक लैंग्वेज में ट्रेजेडीज़ लिखे गए थे, उनमें जो काम डिग्निटी पाई जाती है, जो ग्रेविटी पाई जाती है, टच, ग्राउंड टच, वो इंग्लिश में ये लेकर आना चाहते थे अपने इस वर्क के द्वारा, सैमसन एगोनिस्ट. तो क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, प्लस ग्रीक ट्रेजेडीज़ का अगर पूछ ले तो भी आप सैमसन एगोनिस्ट पे जाइएगा. एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेरो मींस, ये जो इनकी दो पोएम्स हैं, तो क्या है कि ये जुड़वा पोएम्स कही जाती हैं, कंपेनियन पोएम्स कही जाती हैं. ओके, तो इनका मीनिंग यहाँ पूछ लिया गया है. आंसर इज सी, जॉयस मैन और मेडिटेटिव मैन. और जॉयस की जगह हैप्पी भी लिखा हो सकता है, मेडिटेटिव की जगह सीरियस एंड सैड भी लिखा हो सकता है. तो यही है एल एलेग्रो एल पेंसरेरो. जॉन मिल्टन्स मैग्निफिशेंस ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज रिटन व्हेन द पोइट्स एज वॉस. ये थे उस समय 21 ईयर के, कब, जब इन्होंने ये जो अपना वर्क लिखा, देखिए लिखने की बात चल रही है, पब्लिशिंग की बात नहीं चल रही है. ठीक है, तो एक बात, दूसरी बात ये कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एक ओड है. लिटरेरी फॉर्म क्या है, ओड. ओड क्या होता है, किसी को संबोधित करके कोई पोयम लिखते हैं, वो ओड होते हैं, लिटरेरी फॉर्म ऑफ पोइट्री. जॉन मिल्टन का है, कब लिखा था इन्होंने, कौन सी एज में लिखा था, 21 इयर्स एज. ओके, और उस साल ईयर था 1629 का समय था, और पब्लिश कब हुआ था, तो 1645 में पब्लिश हुआ था, काफ़ी बाद में, पर लिखने का पूछा गया, ये इन्होंने लिखा था. इसमें कई पॉइंट निकल रहे हैं, ओड है, टाइटल क्या है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, पॉइंट है जॉन मिल्टन, एज ऑफ 21 ईयर. वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट वॉज निकनेम द लेडी ऑफ क्राइस्ट. ये देखिए, लेडी ऑफ क्राइस्ट इनका निकनेम था स्टूडेंट्स, ठीक है, मिल्टन का लेडी ऑफ क्राइस्ट. इनके जो फॉलो कलीग थे, सॉरी इनके जो फ्रेंड थे अंडर ग्रेजुएट्स
वो उनको बुला देते। When the assault was intended to the city is a sonnet written by, ये आगे अलग questions। When the, एक वो जो वाइफ के लिए लिखा था उन्होंने मी थॉट, वो भी था एक और ये, ठीक है। When the assault was intended to the city is a sonnet written by Milton। Next question, तो देख लेंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, अब यहाँ वैसे तो इसका फुल टाइटल ऐसे ही कहते हैं, ओड टू द, ओड टू, ओड ऑन द ऐसे, लेकिन यहाँ ओड नहीं लिखा है क्योंकि वो पूछ ही रहे हैं इसका लिटरेरी फॉर्म, तो ओड है ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बाय जॉन मिल्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन, अब इसमें देखिए आप कुछ अलग नाम, कोई सा भी हमको जाना पहचाना नहीं लग रहा है कि लेसिटास लिखा हो, पैराडाइज लॉस लिखा है ऑप्शंस में, तो फिर क्या है इनका वर्क, इनमें से कौन सा है? आंसर इज देख लेंगे डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टियाना। जी हाँ, देखिए अलग वर्क मिला ना हमको, क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। ये एक ट्रिटाइज है, ट्रिटाइज यानी कि एक तरह का निबंध, प्रोज वर्क है। मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा था उन्होंने, लैटिन मैन्यूस्क्रिप्ट है स्टूडेंट्स, डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टियाना इज अ लैटिन मैन्यूस्क्रिप्ट, ओके, फाउंड इन 1823 एट्रीब्यूट टू जॉन मिल्टन। चलिए 1823 में ये सर्च आई थी सामने इनके मृत्यु के 148 ईयर्स के बाद, तो ठीक है, लेकिन मिल गया वर्क है इनका डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टियाना, ये भी इन्हीं का ही वर्क है मिल्टन का। तो आज जो रेयर अलग से जो नहीं सुने हैं नाम, वैसे जो नाम आ रहे हैं हमारे सामने उनको लिख लें अलग से, तो आपको याद हो जाएंगे, ताकि वो एक ये हो गया और एक इसके पहले जो सोनेट आया था। Who calls Milton God gifted organ voice of England? किसने कहा इनको God gifted organ voice of England? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट टेनिसन, टेनिसन ने कहा था इनको ऐसा, ये टेनिसन God gifted organ voice, ठीक है। और डेविल्स पार्टी विलियम ब्लेक ने कहा था। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, इनमें से कौन सा इनका प्रोज वर्क है? एरोपैजेटिका, ठीक है, आंसर इज डी एरोपैजेटिका। ये एक स्पीच है, स्पीच वर्क है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं इसमें, बता ही चुके हैं, तो लिसिडास एलेजी है, पैराडाइज लॉस्ट एपिक है, ये भी इनका पोएट्री वर्क ही, और एरोपैजेटिका इनका प्रोज वर्क है जॉन मिल्टन का। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट तो किस लिए, इसमें जो इस इनके इसमें अब क्या है, इसमें ऑप्शंस से हम लगाते हैं, कुछ तो हमें फैक्चुअल होते हैं बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट उसके आंसर होते हैं, पर कुछ ऑप्शंस के बेस पे भी लगाते हैं। तो इसका आंसर है इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, ऑटोबायोग्राफिकल टच है इसमें, इसके लिए भी नोट किया जाता है, इसको नोटिस किया जाता है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल, उसके ग्रैंड स्टाइल के लिए उसको प्रेज किया जाता है, तारीफ मिलती है। सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन, क्या है सैमसन एगोनिस्ट जो कि इनका वर्क है? आंसर इज ए प्ले है एक, ठीक है, एक क्लोज्ड ड्रामा है सैमसन एगोनिस्ट, इनका जो बात चल रही थी जो बाइबल की स्टोरी पर बेस्ड है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है स्टूडेंट्स, सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन का वर्क है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन अक्योर्स इन ऑन इज ब्लाइंडनेस, ऑन इज ब्लाइंडनेस व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, जो हमने देखा था इनका जो सोनेट है ये, उसमें ये लाइन आती है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, उनको भी बहुत कुछ मिलेगा जो केवल प्रतीक्षा करते हैं सब्र के साथ भगवान के सामने, ऑन इज ब्लाइंडनेस का ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, बहुत ही फेमस है, पढ़ा होगा, नहीं है तो पढ़ लीजिए, अच्छा है। 14 लाइन्स ऑन इट ओनली, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन, और कुछ चलो ये कहाँ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है? डी है इसका ऑप्शन, पैराडाइज लॉस्ट का ये कोटेशन है, ओके। तो टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग, ये एक कोटेशन पैराडाइज लॉस्ट की है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोएम बाय मिल्टन, पेस्टोरल पोएम कौन सी है इनमें से? पेस्टोरल पोएम वो है लिसिडास, हाँ ठीक है, एलेजी है, पर पेस्टोरल इसलिए है कि उस वे में लिखी गई है कंट्री, पेस्टोरल वर्क क्या होता है, गांव देहात का पृष्ठभूमि जिसमें होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर लिसिडास। स्टूडेंट्स हमने टोटल आज कितने 64 समथिंग एमसीक्यू इसमें आज कवर कर लिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फार एनफ है। अगर कोई ऐसा जिसने बिल्कुल भी जॉन मिल्टन को नहीं पढ़ा हो, तो ऐसे, और मैं इसमें पिन कर दूँगी
जॉन मिल्टन के मैंने जितने भी वर्क बनाए हैं ना, बायोग्राफी और एमसीक्यूज़ के, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप लोग देख लें, जॉन मिल्टन आपके रेडी हैं। अब जो स्टूडेंट्स एलटी के लिए कह रहे हैं तो वो भी इसको देख लें। एलटी के लिए इतना कंटेंट है जो मैंने लेसन्स बनाए हैं, फार एनफ है, क्योंकि मैंने जो एलटी के प्रीवियस पेपर जो मैंने देखे हैं जिसमें मैं अभी लेसन बनाऊँगी आगे, तो वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, मोस्टली जो भी क्वेश्चंस है सब टच है मेरे लेसन्स में। तो आप पिछले लेसन्स देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें बड़े बड़े शब्दों में एलटी का लिख दूँ, यू उत्तराखंड एलटी के है ये क्वेश्चंस, तो ही आप पढ़ो, आप समझ से पढ़ो, आपके सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग आप लेसन को सिलेक्ट करो और फिर पढ़ लो उसे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। और जॉन मिल्टन जो कि रहे हमारे, मिल्टोनिक एज सेंचुरी रही इनकी, बायोग्राफिकल क्वेश्चंस देखे हमने, प्रोज वर्क इनके, अनफिनिश्ड प्रोज वर्क कौन सा रहा, निक नेम क्या रहा, सारे कवर किया आज इस लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।